हेलो, मैं हूं निष्ठा और आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन हिट करिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस की आपको मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे आम आदमी की। क्या होता है एक आम आदमी, मैंगो मैन? इंडिया में एक आम आदमी क्या है, ये आज हम जानेंगे हमारे लेखक जो कि यत्र तत्र सर्वत्र बुक से हैं, नाम तो आप जानते होंगे, शरद जोशी, उनकी कहानी, एक आम आदमी की कहानी। आम आदमी की खासियत, आम आदमी में सबसे खास बात यही है कि वह आम होता है। यह बात आम है, उसकी कोशिश होती है कि वह आम होने से बचा रहे। जो इस कोशिश में लगा रहता है वह आम आदमी होता है। कई लोग आम आदमी को समझने की कोशिश में खास हो गए। खास इसलिए हुए क्योंकि वह आम आदमी को समझ ना पाए। समझ लेते तो उन्हें पता लगता कि वे भी आम आदमी ही हैं। सड़क चलते आदमी को आम आदमी कहा जाता है, यह कितना अजीब है ना। सड़क खास होती है पर उस पर चलने वाला आदमी आम ही होता है। वह चलता है और अपनी छाप नहीं छोड़ पाता। सड़क उस पर और उस पर सड़क अपनी छाप छोड़ देती है, शायद इसलिए उसे सड़क छाप आदमी कहते हैं। वह अकेला चलता है, समूह में चलता है, जुलूस में चलता है, सड़क के किनारे खड़े हो जुलूस को देखता है, कुछ समझता है, कुछ समझ नहीं पाता है, जानने की कोशिश करता है, उसे पता नहीं चलता है, वह आश्चर्य से देखता है। ये खास आदमी आम आदमी की ओर आश्चर्य से देखने और उसे न समझ पाने के बावजूद आम आदमी नहीं होते हैं। वह आश्चर्य से देखता है, खास आदमी उसे आश्चर्य से देखते हुए देखते हैं। वे कहते हैं और हैं यह आम आदमी है। ये खास आदमी आम आदमी की ओर आश्चर्य से देखने और उसे न समझ पाने के बावजूद आम आदमी नहीं होते हैं। खास आदमी जो आम आदमी को समझ नहीं पाते, आम आदमी को मूर्ख कहते हैं। स्वयं न समझ पाने के बावजूद भी मूर्ख नहीं होते, इसलिए कि वे खास आदमी होते हैं। ना जानने न समझ पाने के बावजूद वो मूर्ख कैसे हो सकते हैं? आम आदमी न समझ पाने के कारण आम आदमी ही होता है। खास आदमी न समझ पाने के बावजूद भी खास आदमी होता है। खास आदमी बड़ी अकल का काम करते हैं। वे अपने कामों की आम आदमी पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है ये जानना चाहते हैं। वे क्रिया करते हैं, आम आदमी खामोश रहता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। वह अक्सर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त ही नहीं करता है। खास आदमी बेचारे नहीं जानते कि खामोश रहकर वह आम आदमी इनकी खासियत को कितना रक्षा कर रहे हैं। जब आम आदमी अपनी सोच को नहीं बयां करता है तो वो जो खास आदमियों की पर्सनालिटी है उसकी रक्षा कर रहे होते हैं। जिस दिन वो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, कोई खास आदमी आम हो जाता है, कई आम आदमी खास हो जाते हैं। इस देश में आम आदमी की यही खासियत है। यह आम का देश है, आम आदमी का देश है। आम यहाँ पेड़ के रूप में भी मिलता है, फल के रूप में भी मिलता है, आम आदमी के रूप में भी। यहाँ आम के आम होते हैं, गुठलियों के दाम होते हैं। पर खास लोग मानते हैं कि आम आदमी में कोई गुठली नहीं होती, उनका तो बस एक छिलका होता है। जो ताकतवर होते हैं वो सोचते हैं कि आम आदमी को कोई भी छील सकता है, पर यह अजब बात है कि आम आदमी को जरा छीला तो गुठली फंसी। जब आम आदमी गुठली की तरह फंस जाता है तब खास आदमियों को पता लगता है कि आम आदमी क्या है, उसमें कितना गूदा है और कितना दम है, ये वह कितना पका हुआ है। उसका रस ले सकते हो पर उसकी गुठली नहीं निगल सकते हो। गुठली में कम ताकत नहीं होती, वह जहाँ गिरती है वहाँ एक पेड़ उग जाता है। आम आदमी जब गुठली की तरह फंस जाता है तब इतिहास बदल जाता है। अभी अभी जो बदला वह आम आदमी की गुठली का ही करिश्मा था। आप कितना ही आम कहिए पर यह ना भूलिए कि वह आम आदमी होता है, वह आदमी ही होता है। आम आदमी को आम क्यों कहते हैं? इसलिए कि वह निचुड़ जाता है, निचड़ा हुआ होता है। आप जब चाहे उसे निचोड़ सकते हैं। यही खास आदमी गलती करते हैं। आम का एक मौसम होता है, आम आदमी का भी एक वक्त होता है। जब आमों का मौसम आता है कोयल बोलती है। जब आम आदमी अपने को व्यक्त करता है बहुत कुछ बोलता है, कुछ घुमड़ता है, गरजता है, हवा आती है, आंधी महसूस होती है। जब आम आदमी अपनी वाली पर आता है तूफान उमड़ता है। आप अजब बुद्धिमान हैं।
इस आहट को महसूस नहीं कर सकते कि आम आदमी चाहे एक दिन के लिए ही सही खास होने जा रहा है। उस दिन खास होने हो जाने के बाद आम आदमी फिर से आम हो जाता है, फिर खामोश हो जाता है, फिर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। तब खास आदमी सिर धुनकर सोचते हैं कि आम आदमी ने ऐसा क्यों किया, काश वे आम आदमी होते तो जानते कि आम आदमियों ने ये क्यों किया। आम आदमी की यही खासियत है, वह खास लोगों में को खासियत आज नहीं तो कल बता ही देता है। मैं भी एक आम आदमी हूँ, शायद आप भी एक आम आदमी होंगे। तो ये आम आदमी कितना खास है ये आपको पता चला। तो आज का हमारा वीडियो और आज की हमारी ये आम आदमी की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।